रोग नहीं, रोगों का बाप है कैंसर। मनुष्य की देह में अभिशाप है कैंसर। नमस्कार दर्शकों, आज 4 फरवरी है यानी कि कैंसर डे। दर्शकों, हर साल की तरह इस साल भी सभी देशों की गवर्नमेंट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन व बड़े बड़े संगठन आपको कैंसर के बारे में बताएंगे, उसके लक्षण व उससे बचने के उपाय भी बताएंगे, लेकिन लास्ट में सब यही कहेंगे कि कैंसर का सही समय पर ही इलाज करा लेना चाहिए। जी हाँ दर्शकों, ये बात बिल्कुल सत्य है कि कैंसर का सही समय पर ही इलाज करा लेना चाहिए, नहीं तो ये भयावह रूप ले लेता है। यदि मरीज का सही समय पर इलाज नहीं होता तो 90% व्यक्तियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। लेकिन घबराइए नहीं, आज हम आपको औरों की तरह सिर्फ बीमारी से ही अवगत नहीं कराएंगे, अपितु उसका पूरा पूरा और सही इलाज भी बताएंगे, जिससे कि कैंसर फर्स्ट स्टेज का हो या लास्ट स्टेज का, इस उपचार से पेशेंट 101% ठीक होगा ही होगा। दोस्तों, मृत्यु शैया पर पड़े व्यक्ति को नया जीवन मिलना, बच्चों का अनाथ होने से बच जाना, निरोगी हो जाना, ये किसी कुदरती करिश्मे से कम नहीं। दर्शकों, कैंसर ऐसी भयंकर बीमारी है जिसका प्रकोप पड़ते ही व्यक्ति खुद को मृत्यु के निकट महसूस करने लगता है और जान बचाने के लिए ना चाहते हुए भी लाखों रुपए खर्च करके रेडिएशन इत्यादि जैसे उपचार करवाते हैं, लेकिन फिर भी 70% उपचार कामयाब नहीं होते और एक हद तक पहुंच जाने के बाद कैंसर के विषय में बड़े बड़े डॉक्टर्स भी यही कहकर हाथ खड़े कर देते हैं कि काश इसके विषय में पहले आपने चेकअप कराया होता, अब तो ये भगवान भरोसे हैं। दर्शकों, कैंसर को लेकर देश विदेशों में काफी लंबे समय से रिसर्च तो चलती आ रही है, लेकिन समस्या ये है कि सटीक इलाज अभी तक नहीं मिल पाया। इसके लिए अनेकों थेरेपी एवं दवाइयां भी प्रयोग में लाई जा चुकी हैं, लेकिन उनके आधार पर कोई संभावना नहीं जताई जा सकती कि व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा भी या नहीं, क्योंकि यदि टाइप्स ऑफ कैंसर की बात करें तो विशेषज्ञों के मुताबिक इसकी संख्या 100 से ज्यादा है, और दूसरी तरफ यदि बात करें आंकड़ों की तो वो भी किसी महामारी से कम नहीं है। समझने के लिए सिर्फ इतना ही बहुत है कि देश में हर 10 कैंसर पीड़ित व्यक्तियों में से 7 जिंदगी जंग हार जाते हैं और हर 2 मिनट में 3 कैंसर पीड़ित व्यक्तियों की मौत हो जाती है। दर्शकों, कैंसर का दिन प्रतिदिन पैर पसारना और इलाज अभी तक ना मिल पाना एक जटिल समस्या है, लेकिन कहते हैं जहां विज्ञान का अंत होता है वहीं से अध्यात्म की शुरुआत होती है। तो आइए अब जानते हैं इस जटिल समस्या का कारण व समाधान वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो ऐसी भयानक बीमारियों का कारण हमारे खान पान, रहन सहन और वातावरण पर निर्भर करता है, लेकिन आध्यात्मिक नजरिए से देखा जाए तो कैंसर व अन्य कोई भी तकलीफ हमें हमारे पाप कर्मों के आधार पर ही मिलती है, जिस कारण हमें भयंकर दुख व कष्ट उठाने पड़ते हैं। और बात करें इसके समाधान की तो वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो कैंसर का कोई इलाज नहीं है। समय रहते इसकी फर्स्ट व सेकंड स्टेज पर इलाज करवाया जाए तो इसके ठीक होने की कुछ हद तक संभावना जताई जा सकती है, लेकिन लास्ट स्टेज पर कैंसर का ठीक होना नामुमकिन हो जाता है और कैंसर पीड़ित लगभग 90% लोग मर ही जाते हैं। अब बात करते हैं अध्यात्म की। यकीन मानिए दर्शकों, अध्यात्म एक ऐसी शक्ति है जो कैंसर ही क्या, कैंसर के अलावा कोई भी असाध्य रोग क्यों ना हो, परमेश्वर कबीर जी की सद्भक्ति व सत मंत्रों से हर प्रकार के दुखों का निवारण हो जाता है। वेद इसकी गवाही देते हैं। यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32 में प्रमाण है कि कबीर परमात्मा संपूर्ण शांतिदायक है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सुक्त 82 मंत्र 1, 2 और 3 में लिखा है कि परमेश्वर हमारे पापों का नाश करते हुए हमें प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सुक्त 163 मंत्र 1 में लिखा है कि परमात्मा पाप कर्म को नाश करने वाले हर कष्ट को दूर कर विषाक्त रोग को काट कर हमारे नाक, कान, मुख, जिह्वा, शीर्ष, मस्तिष्क और सभी अंग प्रत्यंगों की रक्षा कर सकते हैं। यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32 में लिखा है कि कबीर अंगारी असी, कबीर यानी कि कबीर परमेश्वर, अंग माने पापों का, आरी यानी कि शत्रु और असी माने है, अर्थात पाप विनाशक कबीर है। बंभारी असी, बंभारी यानी कि बंधन का शत्रु, अर्थात बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर, असी यानी कि है।
यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 में स्पष्ट लिखा है कि हे परमेश्वर, आप सद्भक्ति करने वाले साधक के घोर से घोर पाप को नाश करने वाले हो। आप अनजाने में किए गए सभी पापों का भी नाश करने वाले हैं। हे परमात्मा, आप अतीत में किए गए या वर्तमान में किए गए सभी प्रकार के पापों का भी नाश कर देते हैं तथा मृत्यु प्राप्त साधक को भी जीवित कर उसे भक्ति के लिए 100 वर्ष तक की आयु प्रदान करने वाले हैं। तो दर्शकों, देखा आपने, यदि हम कबीर परमेश्वर जी की पूर्ण सद्गुरु द्वारा बताई गई अर्थात सद्भक्ति करते हैं तो परमेश्वर हमारे पापों का भी नाश कर देते हैं। कबीर परमेश्वर जी के संविधान अनुसार उनके कृपा पात्र संत जो तत्वदर्शी संत कहलाता है, वो एक समय में केवल एक ही होता है और वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज जी ही वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी के अधिकारी संत हैं, जिनके द्वारा दिए जाने वाली सद्भक्ति मंत्रों से भक्तों के पाप कर्म कष्ट भी मिट जाते हैं। इस संबंध में परमेश्वर कहते हैं, मासा घटे न तिल बढ़े, विधना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट के ऊपर मार दे मेख। अर्थात भक्त की किस्मत में लिखे यानी पाप कर्मों के लेख को काट कर नया विधान केवल सतगुरु यानी सच्चा गुरु ही लिख सकता है और सच्चे गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिया गया सतनाम ही वो पाप नाशक मंत्र है जिसकी महिमा अनेकों संत महापुरुषों द्वारा गाई गई है कि जब ही सतनाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की पड़े पुराने घास। अर्थात पूर्ण गुरु से प्राप्त सतनाम के एक जाप से पाप कर्म का नाश ठीक उसी तरह से होता है जैसे कहीं सूखी घास का चाहे कितना ही बड़ा ढेर क्यों न लगा हो, वहां अग्नि की एक चिंगारी पूरे घास को स्वाह कर राख बना देती है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि पूर्ण संत द्वारा दिए गए सतनाम की भक्ति करने से हमारे सभी पाप कर्मों का नाश हो जाता है, मतलब सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, क्योंकि हमारे सभी कष्ट हमारे पाप कर्म का ही कारण है। तो जब पाप कर्म ही कट जाएंगे तो कोई कष्ट भी नहीं रहेगा, न धन का, न शारीरिक और न ही मानसिक, अर्थात सभी प्रकार के कष्टों व रोगों से मुक्ति मिल जाएगी और मोक्ष भी होगा। तो दोस्तों, आज पृथ्वी पर तत्वदर्शी संत व परमात्मा की सद्भक्ति विधि बताने वाले केवल संत रामपाल जी महाराज जी ही हैं। आपसे प्रार्थना है कि आप सभी संत रामपाल जी महाराज जी की जल्द से जल्द शरण ग्रहण करके इस जीवन को सुखी बनाएं और अपना कल्याण भी करवाएं। धन्यवाद। तो यहाँ आने वाले व्यक्ति को हानि कति नहीं है और कति ज्ञान सुनकर समर्पित होकर आओगे तो आपकी कैंसर के कैंसर का बाप भी ठीक हो जाए। भगवान किसे कहते हैं, वाह भाई वाह, यहाँ पर कम से कम लाखों भक्तों के कैंसर तक के रोग ठीक हो चुके जिन समर्पित भाव से परमात्मा पर विश्वास करके नाम लिया और मर्यादा निभाई। क्योंकि दुखी आदमी मर्यादा खूब निभाता है, सुखी तक गड़बड़ कर देता है, समाज को गुणा देखे उसने तो अपनी जान दिखाई देती है, तो उस पर जल्दी राजी हो है भगवान, जल्दी प्रसन्न होता है, उसका जीवन भी बढ़ावेगा और उसको रोग से मुक्त भी करेगा। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली तो मेरे फादर ने मेरी मदर को बताया कि हाँ, मुझे पहले कैंसर था और शरीर में गांठें भी थी उनकी, वो कैंसर की वो अब खत्म हो गई है। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया, भगत जी एक रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया, ये तो कैंसर था वो भी तीसरा स्टेज का। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ, तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ, हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुँचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया
आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर ने बोला वो ट्रीटमेंट की और मेरा जो रिजल्ट आया, मेरा जो रिपोर्ट आया, तो आप लोग हैरान हो जाओगे। मुझे कैंसर था। जब मैंने, मुझे लगा कि अभी मेरी लाइफ थोड़ी है, ज्यादा लाइफ नहीं है, मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई कि मैं अभी क्या करूंगी। मेरा, मुझे लगा मैं तो ठीक है। और मेरे परमात्मा ने, गुरु जी ने, संत रामपाल जी महाराज ने, इतना प्रार्थना हमने लगाने के बाद उनका ये आया, मतलब उनका मैसेज आया कि बेटा परमात्मा आपको दया करेंगे, आपके संत रामपाल जी महाराज आपके ऊपर दया करेंगे। और फिर हमने मेडिकल रिपोर्ट पाया शाम को, तो उसमें लिखा था कि मुझे सिर्फ ओनली वायरल इन्फेक्शन है। जो चार डिसीज मुझे बताया था कि एक सर्वाइकल कैंसर, एक टीबी और दो ऐसे थ्रोट के हिसाब से ही उन्होंने बताया था। जब उन्होंने स्कैन कर दी तो डॉक्टर्स ने हमें बोला कि इसको जल्दी से जल्दी ऑपरेट करवा लो, वरना ये चीज़ है जो कैंसर बन सकती है। तो मैंने मन ही मन प्रार्थना की, मेरे मुख से ये बात निकली कि परमात्मा, बच्चा छोटा है, इसका जो भी ऑपरेशन है हम डॉक्टर से नहीं करवा सकते, पता नहीं ये सहेगा कि नहीं सहेगा, तो जो आपने इसको ऑपरेट करना है तो खुद ही आप आके कर जाओ। तो सर आप यकीन नहीं मानोगे कि मेरे परमात्मा रातों रात मेरे बच्चे का ऑपरेशन कर चुके थे। तो नेक्स्ट डे हमने मोहाली जाना था, मोहाली डॉक्टर के पास हमें एक दिन पहले रेफर किया गया था। तो जब हम मोहाली डॉक्टर के पास गए स्कैन के वक्त, तो देखो मैं अकेली खड़ी थी बच्चे के पास। जब टेस्ट हो गया था, जब उसे चेक कर रहे थे, तो मेरे मदर इन लॉ, मैं और मेरा बेटा, हम तीनों डॉक्टर के पास थे, बच्चे का चेकअप हो रहा था। तो उस डॉक्टर ने कहा कि आपको किसने कहा कि इसे ऑपरेट करना पड़ेगा, ये देखो सारा रिजल्ट तो आपके सामने है, बच्चा बिल्कुल ठीक है, इसे किसी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है।